कूल रेफ्रिजरेटर। कस्टमर कंप्लेंट है नो कूलिंग, ठंडा नहीं हो रहा। ठंडा काफी कम है, कूलिंग नहीं के बराबर है। देखिए दोस्तों, इसमें इसका डिफ्रॉस्ट साइकिल काम नहीं कर रहा, पूरा आइस फॉर्मेशन हो चुका है। देखिए दोस्तों, इसका डिफ्रॉस्ट साइकिल काम नहीं कर रहा है। इसके टाइमर को मैन्युअली हमने डिफ्रॉस्ट साइकिल में डाल दिया है। बायोमेटल वर्क कर रहा है बट टाइमर काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से इवापोरेटर कॉइल पे पूरा आइस फॉर्मेशन हो चुका है। इसका ये टाइमर है जिसको हमने मैन्युअली डिफ्रॉस्ट साइकिल में डाल दिया है। ये मैन्युअली तो डिफ्रॉस्ट हो रहा है लेकिन जो ऑटोमेटिकली काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा है। इसके अंदर इसके जो गियर हैं वो स्लिप हो चुके हैं। मशीन कंटिन्यूसली रनिंग कर रही है जिसके वजह से इवापोरेटर कॉइल पे पूरा आइस फॉर्मेशन हो चुका है। देखिए दोस्तों, ये इस फ्रिज का टाइमर और ये बायोमेटल है, ये ओल्ड है, जूना वाला जो इस फ्रिज के साथ लगा हुआ है, ये दोनों भी काम नहीं कर रहे और हम अभी ये नया रिप्लेस करेंगे। ये टाइमर है, ये बायोमेटल है। ये बायोमेटल को हम एक्यूमुलेटर के साथ फिट करेंगे। ये इसके पाइप पे लगा है, इसको पाइप से रिमूव करके इसको एक्यूमुलेटर के साथ फिट कर देंगे। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चलिए दोस्तों, तो इसको फिट करके इसके परफॉर्मेंस को देख लेते हैं।
तो दोस्तों फाइनली इसके टाइमर बायोमेटल को रिप्लेस कर दिए हैं। अभी कूलिंग के वेंट कूलिंग वेंट से एकदम परफेक्ट बाहर आ रही है। इसकी वेंट भी सारे आइस फॉर्मेशन से ब्लॉक हो चुकी थी, जिसको हमने हेड रायर से क्लियर कर दिया है। अब यूनिट एकदम परफेक्ट है, अब सिस्टम एकदम क्लियर हो चुके हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। ये दोस्तों कल फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।